हाँ भाई नारद मुनि के क्या बोलूं टेस्टिकल्स, तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ यहाँ बैठ के कंड कर दियाना। तीन बार तूने मेरे को फोन किया, कहाँ आना है पूछ के है। अब क्या बोल रहा है कि नीरज भारती बता नहीं रहा है, कंड कर दियाना बैठा हूँ, स्टेटस भी डाला हुआ है, और यहाँ आ जा। अरे अपने वो मामे का एक को भेज दिए पुलिस वाले यहाँ इकट्ठे करके, पहले कर जरा उनको साइड में हटा ले उनको, मामा को अपने जरा पुलिस जो यहाँ पे प्रशासन के तूने लगा के भेज दिए अपने, पूछ उसको संतू के सतेंगड़ को है। और नीरज भारती यहाँ वेट कर रहा है, ये उसकी जगह है कंड कड़ियाणा में, आने वाले टाइम में एक मकान नीरज भारती यहाँ पे भी डालेगा, ठीक है। जो भी है ये दक्ष राणा मोनू, आ जाओ सोनू मोनू इकट्ठे होके इधर, यही इंतजार कर रहा हूँ एक घंटे से। एक घंटे पहले तेरे से फोन पे बात हुई थी, मैं कहाँ हूँ, मैंने कहा मैं योल क्रॉस कर रहा हूँ, उसके बाद मैंने कहा अब टंग नरवाणा पहुंच गया हूँ बात करते करते तेरे से, और तू कहता हम वहाँ इंतजार कर रहे हैं, मैं कहा आ जा फिर टंग नरवाणा, आ जा यहाँ पे कंड कड़ियाणा में मेरी जगह है, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मुझे तो अपना कोई निजी काम है यहाँ पे इसलिए आया हूँ मैं, और तुम्हारे में दम है तो आओ ना, आ क्यों नहीं रहे हो है। अरे पुलिस प्रशासन को क्यों भेज दिया हुआ तुमने पहले ही यहाँ पे है, आओ इधर दम है, खुला चैलेंज दे रहा हूँ तुम्हारे को। जिस तरह नीरज भारती यहाँ आया ना अपने संतू के सपूत को पूछना सुधीर शर्मा को कि किसी दिन ऐसे ज्वाली आके दिखाए, ठीक है, पुलिस प्रशासन भी ले आए साथ में। और नीरज भारती तो अपना एक मकान यहाँ बना रहा है, यहाँ इस जगह पे जहाँ इस वक्त वो बैठा हुआ है, अगर है दम तो आ जाओ, इंतजार कर रहा हूँ, एक घंटा और हूँ यहाँ पे, एक घंटा और, क्योंकि धर्मशाला से भी आना होगा तो यहाँ 15-20 मिनट लगते हैं, बड़े आधा घंटा लग जाएगा, एक घंटा मैं अभी यहाँ पे और इंतजार कर रहा हूँ, वरना तुम जैसे बिलटों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है, तुम्हारे साथ कई आते हैं कई भोंकते हैं कई चले जाते हैं रोज के, ठीक है, आ जाओ दम में, तो भाषण ना दो फेसबुकों में बैठ के, नीरज भारती ज्वाली से आया है 65 किलोमीटर से चल के यहाँ पे, 65 किलोमीटर से, तुम्हारे से 10.5 किलोमीटर नहीं चला जा रहा, बात कर रहे हैं बड़े गुंडे, आ जाओ देखते हैं कितनी बदमाशी है तुम्हारे में।